अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सीखेंगे मैजिक एंड क्विक सिलेक्शन टूल, हाउ टू अप्लाई दीज टूल्स, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं न्यू इमेज करूंगा, ओपन करूंगा, कोई भी एक इमेज मैं ओपन कर लेता हूं एक मॉडल का। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं क्विक सिलेक्शन टूल अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैं क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो क्लिक कर होल्ड करके नीचे की जानब लेके आएंगे तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसे कहते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल। इस तरह से जल्दी से मीन्स किसी की सिलेक्शन लेनी हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी सिर्फ हेयर कटिंग्स और प्लस ड्रेसिंग की मुझे लेनी हो तो इस तरह से मैं क्विक सिलेक्शन ले सकता हूँ। ओके, मैं फिर से फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल को ओपन कर मॉडल्स पर आता हूँ। मॉडल्स पर आकर एक मॉडल को ले लेता हूँ। ओके, तो जैसा ही मैंने इस सनम को ले लिया, अब इस सनम की जो है ना, मैं क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन ले लूँगा। तो देखें किस तरह से मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ। जी जनाब, कंट्रोल जी प्रेस करोगे आप फिर से सिलेक्शन लेना शुरू करोगे। ठीक है, इस तरह से इट मींस के अगर क्विक सिलेक्शन लेनी हो आपको तो आप क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। क्लिक करोगे, होल्ड करोगे, नीचे की जानिब लेके आओगे आराम से। ठीक है जनाब, ये हो गई सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल का मतलब ये हो गया कि जल्दी से हम सिलेक्शन ले लेते हैं, और बिल्कुल ये फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है सिलेक्शन लेने का। इससे ज़्यादा क्लासिकल टूल नहीं हो सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल आर यूजिंग मैग्नेटिक टूल्स, बट मैग्नेटिक टूल की मदद से हम सिलेक्शन तो ले लेंगे लेकिन उसमें हमारे 10 या 15 सेकेंड्स लग जाएंगे सिलेक्शन में। लेकिन सेम सिलेक्शन, वैसी ही सिलेक्शन अगर हम लेना चाहें क्विकली तो विद इन अ सेकेंड, 15 सेकेंड की जगह पर विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर हम कंप्लीट सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके जनाब, अब हम आते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन पर जिसका नाम है मैजिक वांड टूल। ठीक है, ये जादू की छड़ी, मैं मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ जादू की छड़ी। जादू की छड़ी को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे नाम रखा गया है जादू की छड़ी का। तो देखें मैं मैजिक वांड टूल को सिलेक्ट करता हूँ, मैजिक वांड टूल सिलेक्ट हो गया, हो जा, क्लिक करते जाओगे होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स भी ऐड करो, एक जादू की छड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 27, 28, इस तरह से आप सिलेक्शन लेते जाओ, क्लिक करते जाओ सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये क्विक सिलेक्शन ले लेता है। सही है, इस तरह से हम सिलेक्शन ले सकते हैं क्विक सिलेक्शन। हर एक पार्ट को सेपरेटली जो है ना ये सिलेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखो इसके बर्थ को, इसके दुपट्टे को, इसके बालों को, इसके झुमकों को, आईज को, सब को जो है ना ये सेपरेटली लेता जा रहा है। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें कुछ इस तरह से। सही है, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। जो हमारा सिलेक्टेड एरिया होगा उससे सिलेक्शन को काटता जाएगा, इससे प्लस करेगा उससे काटता जाएगा। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल कुछ इस तरह से हम अप्लाई करते हैं और ये जादू की छड़ी की तरह काम करता है। बस सामने इमेज रखो और उसको क्लिक करो जादू की छड़ी की तरह और हमारी सिलेक्शन विद इन अ
सेक्रेट्स में हो गई। ये भी क्विकली हम सिलेक्शन लेते हैं मैजिक वाइंड टूल की मदद से, हम क्विकली सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्विक सिलेक्शन टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं और मैजिक वांड टूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब देखें, मैं मैजिक वांड टूल की मदद से और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ। देखें, ये मैंने सिलेक्शन ले ली जी जनाब। ये देखें, जल्दी से मैंने एक सिलेक्शन ले ली इसकी, बिल्कुल ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे था। क्विक सिलेक्शन टूल को जैसा नाम रखा गया है वैसे ही ये सिलेक्शन कर रहा है इमेज की, और मैजिक वांड टूल भी बेस्ट और क्लासिकल टूल माना जाता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है जनाब, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सिलेक्शन की जाती है मैजिक वांड टूल से और क्विक सिलेक्शन टूल से। क्विक सिलेक्शन टूल का मैंने आपको फ़वाद बता दिए और मैजिक वांड टूल के भी फ़वाद बता दिए, और हम किस प्लेस पर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्विक सिलेक्शन टूल ज़्यादातर यूज़ करते हैं एडा फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए, किसी भी इमेज की सिलेक्शन लेने के लिए। फिर उसके ऊपर तो आप बेतहाशा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो ना। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कैसी सिलेक्शन ले रहे हो और सिलेक्शन कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सिलेक्शन। ठीक है, सही जनाब। ओके, तो अब मैं क्लास को यहीं पर अख्तितम करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल को और प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल को, स्लाइस टूल को और स्लाइस सिलेक्ट टूल को। ठीक है, ये सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मैजिक एंड क्विक सिलेक्शन टूल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप टूल सिलेक्शन। और जहन में एक बात आप याद रख लो कि सॉफ्टवेयर की जाने बताता हूँ, जो पहले वाला टूल बाय डिफॉल्ट जाहिर हो उसी के ही नाम से उस टूल के टूल बार के सेक्शंस को डिस्कस किया जाता है। मिसाल के तौर पर मूव टूल, रेक्टेंगल टूल और लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इस तरह से जो पहले वाला ना नेम होता है वो उसी नेम से वो सारा सेक्शन कॉल किया जाता है। इस हिसाब से हम सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। अब क्रॉप टूल को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर जितने फीचर्स होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारे के सारी हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके जनाब, मैं क्रॉप टूल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्रॉप टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। और राइट, आप देखें हमारे पास यहाँ पर क्रॉप टूल होगा, जब सिलेक्ट होगा तो इसके चारों तरफ कुछ डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको इस तरह से। ठीक है जी, हाँ, तो इस हिसाब से मैं क्रॉप कर सकता हूँ इस इमेज को। तो क्रॉप करने के लिए मैं, अगर ऊपर की जाने मुझे इतना इमेज क्रॉप करना हो, क्रॉप का मतलब कट करना, काटना, ठीक है, और इस हिसाब से अगर मुझे कट करना हो तो मैं इमेज को कट कर सकता हूँ, और फाइनली इंटर को प्रेस कर देना है तो आपको इमेज कट हो जाएगा। अगर इससे मजीद आप कट करना चाहो तो इस तरह से कट भी कर सकते हो, ठीक है, और कंट्रोल जी प्रेस करने से वापस एस्केप प्रेस करोगे, फिर एस्केप प्रेस करने के बाद वापस आ जाओगे अपने सेम इमेज पर। ठीक है, सेम लाइक दैट आई एम ट्राइंग अगेन। क्रॉप टूल मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसके साइड के बॉर्डर्स को मैं क्रॉप करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से, और एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से हम क्रॉप करेंगे। और अब आए तो इसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। अनकंस्ट्रेंड स्क्वायर रेशो, देखें जब मैं क्रॉप कर रहा था फर्स्ट टाइम जब मैं क्रॉप कर रहा था तो क्या हो रहा था कि अनकंस्ट्रेंड सिलेक्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको क्रॉप कर रहा था, अगर मुझे लेफ्ट साइड से क्रॉप करना है तो मैं लेफ्ट साइड से क्रॉप कर सकता हूँ, फ्रीली क्रॉप कर सकता हूँ ना। अगर मुझे राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, पहले मैंने, सॉरी ये लेफ्ट राइट वाला प्रॉब्लम हो गया, जो मैं लेफ्ट कह रहा था वो राइट था, जो अभी मैं राइट कह रहा हूँ ये लेफ्ट है। आप देखें लेफ्ट साइड को अगर मैं
लेफ्ट साइड से क्रॉप करना हो या बॉटम से क्रॉप करना हो या टॉप से क्रॉप करना हो, फ्रीली मैं क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी में जाकर 1:1 का रेशो उठा लूँगा, स्क्वायर रेशो, तो सिर्फ उसी रेशो के मुताबिक ही क्रॉपिंग होगी। देखें, चारों तरफ से क्रॉप हो रहा है, चारों तरफ से। मैं किसी भी एंगल से लूँ, ले लूँ, किसी भी बॉटम, टॉप, मिडल, लेफ्ट, राइट, सब जगह से क्रॉप कर रहा है, लेकिन वो रेशो के हिसाब से जा रहा है इस तरह से। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट से क्रॉप कर रहा था, सिर्फ लेफ्ट से हो रहा था, दूसरी प्लेसेस से नहीं क्रॉप हो रहा था, अभी चारों तरफ से क्रॉप हो रहा है। इट मीन्स के रेशो के हिसाब से हम क्रॉप क्रॉप कर सकते हैं। और 4:5 से क्रॉप करना हो तो 4:5 का रेशो क्रॉप करेगा इस तरह से। जी जनाब, इसका 4:5 का रेशो चलेगा। ये सारे रेशोज दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, अनकंस्ट्रेंट आप रख लो तो वो फ्रीली आप जिस जगह से क्रॉप करना चाहो तो उस जगह से ही क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से एस्केप के बटन को प्रेस करोगे तो आपका क्रॉप अनचेक्ड हो जाएगा। और आप मैन्युअली भी इसको दे सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि 40x40 क्रॉप होनी चाहिए, तो अब क्रॉपिंग करूँगा तो 40x40 का क्रॉप बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरह से 40x40 का, पहले 1:1 का बन रहा था, अभी 40x40 4:4 के हिसाब से क्रॉप होता जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, तो अभी मैं आ रहा हूँ स्टार्ट इन क्रॉप को क्लिक करेंगे। स्टार्ट इन का मतलब ये होता है कि आपकी इमेज रोटेट हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग को क्लिक करते हैं, देखें अब मैं जितना भी रोटेट करना चाहूँ अपने इमेज को तो उतना इमेज हमारा रोटेट होगा। फिर से स्टार्टिंग को क्लिक करोगे, देखें इस तरह से इमेज हमारा रोटेट हो रहा है। इंटर को प्रेस करूंगा तो फाइनली वापस बैक चले आएंगे। क्रॉप इट इस तरह से क्रॉप करेगा। सही जनाब, कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ, क्रॉप के ऊपर फिर से आ रहे हैं हम। देखें, रोटेटिंग शेप में मुझे क्रॉप करनी है, रोटेटिंग शेप में। देखें, इस तरह से रोटेटिंग शेप में क्रॉप होता जाएगा मेरा इमेज। जो इमेज इस लाइटेड, जो हाईलाइटेड सर्किल बनी हुई है, सिर्फ यही इमेज बच जाएगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो ये कोने जो डार्क लाइट हो गए हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये सारे क्रॉप हो जाएंगे, और जो हाईलाइटेड एरिया है वो क्रॉप होकर सामने आ जाएगा। लुक, इंटर प्रेस मैंने कर दिया। देखें इस तरह से, कंट्रोल जी को प्रेस करता हूँ, फिर वापस बैक और शॉर्ट इन इस इमेज को, शॉर्ट इन सॉरी स्ट्रेट इन, स्ट्रेट इन क्रॉप करना हो तो इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, इंटर प्रेस करूंगा फाइनली। अब देखें व्यू पर, व्यू पर आ रहे हैं, ग्रेड व्यूज है चाहिए मुझे। ये ग्रेड व्यू के हिसाब से कट करेगा, डायगोनल के हिसाब से क्रॉप करेगा, गोल्डन रेशियो के हिसाब से, ऑटो शो। ये देखें, ऑटो शो का मतलब होता है कि जो है ना, आपका जो ग्रिड लाइंस बनी हुई थी वो ऑटो शो में चले जाएंगे। ओके जनाब, गोल्डन सीरियल, ये कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये कुछ व्यूज हैं, आप रूल थर्ड आप यूज कर लो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि रूलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से क्रॉप करेगा ना, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कि बैक चले जाएंगे वो एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्रॉप हमारा क्लियर हो गया है। क्रॉप के अंदर हमने सब कुछ डिलीट, क्रॉप एग्जिस्ट, अब देखते हैं, अनचेक कर दिया मैंने इसको, एंटर करते हैं। सही है, ये कह रहा है कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स, जो पिक्सेल्स के जो क्रॉप्ड पिक्सेल्स होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है जनाब, ओके,
सेटिंग पे आते हैं, ये सेटिंग यही रहने दो, बाय डिफॉल्ट हमें सेटिंग दी हुई है, एक्सीलेंट रहनी रही रहेगी ये आपके लिए भी, तो आप यही सेलेक्ट रहने दो। ऑटो सेंटर प्रीव्यू, शो प्रीव्यू, एनेबल प्रीव्यू वगैरह वगैरह, मैच कर्व सारे ये आप ये रख देने हैं आपको, ठीक है। ओपेसिटी कहते हैं वो जो जब क्रॉप कर रहे हैं तो उसकी ओपेसिटी लाइटिंग हो जा रही है वो 75%, यही रहने दो, सब कुछ सारी की सारी सेम सेम रहने दो, ठीक है जनाब। आए तो हाँ, परपेक्टिव क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पर आ रहे हैं, ओके के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखें मुझे इस हिसाब से क्रॉप करनी है, तो एंटर करूँगा, ये देखें जरा इस हिसाब से क्रॉपिंग हो गई, देखा। ये पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग का थोड़ा अलग ही अंदाज है क्रॉप करने का, आप मोड़ मोड़ कर भी क्रॉप कर सकते हो अपने इमेज को। किसी मैवेज के पास आ जाते हैं, अभी मैवेज को थोड़ा सा मोड़ कर क्रॉप कर लेते हैं हम, इंटर कर दें तो ये इस तरह से क्रॉप तो हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मोड़ूंगा, अभी मोड़ूंगा और जी अभी इंटर करते हैं, देखें ये मुड़ कर क्रॉप हो गया। ये बेहतरीन और एक्सीलेंट टूल माना जाता है क्रॉपिंग के लिए, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है, एक्सीलेंट क्रॉप टूल है, इसके अलावा एक्सीलेंट क्रॉप टूल हो ही नहीं सकता। वही विथ एंड हाइट के हिसाब से अगर आप क्रॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो, रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, पिक्सल्स पर इंच, ओके, फ्रंट इमेज क्लियर, ये सारे फीचर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। देखें अभी विथ के हिसाब से मुझे क्रॉप करनी है, ये कुछ इस तरह से क्रॉप करेगा, इंटर कर देता हूँ मैं, ये देखें कितनी 10 पिक्सल्स की क्रॉप कर ली इसने, बिल्कुल बारीकी से क्रॉप कर लिया इसने, ठीक है। तो लेकिन मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, तो आप सिंपली द बेस्ट क्रॉप टूल ले लो और उसको यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना दो तो अच्छा है, क्योंकि आप जो वैल्यू दोगे, आप कहोगे कि सिर्फ विथ में बनाना चाहे तो विथ बनाना चाहो तो इस तरह से विथ बना लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, ये विथ बना लो। अगर ये विथ की साइज अगर मालूम करनी हो तो रोलर हमें ऑन करना होगा, कंट्रोल आर प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें आप वन से लेकर, अगर आप वन से लेकर, यस यहाँ पर देखें वन से लेकर 6 तक क्रॉप करना चाहो तो हाँ, इसकी कितनी विथ बन रही है, ये W लिखा हुआ है, 5 इंचेस में, इंचेस में 5 बन रही है इसकी विथ, तो 5 500 कर देते हैं, पिक्सल्स में ये काउंट करेगा, इंटर कर देता हूँ, यस ये देखें इस तरह से क्रॉप करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें 500 पिक्सल्स ना ही दो तो बेहतर रहेगा, और आप पर्सपेक्टिव टूल को डायरेक्टली यूज़ करो और मोड़ो अपने हिसाब से, इस तरह से यहाँ पे तो बिल्कुल ये हसीन बन गई, ठीक है। आप मोड़ मोड़ कर भी क्रॉप कर सकते हो, काट सकते हो इमेज को, उसके रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हो, रेजोल्यूशन आप 75 हमने रखा हुआ है बैकग्राउंड में इमेज का, बाय डिफॉल्ट तो 75 ही होता है, अगर आप बढ़ा दोगे तो वो रेजोल्यूशन पर इंचज के हिसाब से बढ़ाता जाएगा, पिक्सल्स उसमें फिल कर देगा। मोड कौन सा यूज़ करेगा, फ्रंट इमेज जो है ना हमारा, ये स्टैंडर्ड साइज हमारे पास आ गई, और क्लियर कर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगी, ओके जी जनाब। हमारा क्रॉप टूल हो गया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हो गया, अब हम आ रहे हैं स्लाइस टूल पर, लेकिन स्लाइस टूल के लिए मैंने एक इमेज बनाया हुआ है, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्रॉपिंग करनी है, और उस क्रॉपिंग की जी एंटर कर देता हूँ, ये इमेज जो मैंने क्रॉप कर कर इसको सेव एज करता हूँ, क्लास के हिसाब से, क्लास आज हमारी चल रही है 8, बैक आ रहे हैं बैक प्रोजेक्ट के अंदर, और सेव एज इमेज नहीं करना, सेव एज मुझे PSD फाइल करनी है ना, तो PSD, वेयर इज माई PSD फाइल, PSD यस एट द स्टार्टिंग पॉइंट PSD फाइल राइट हियर, ठीक है। तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मैंने ये फाइल सेव कर दिया, ओके, तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और सनम जी को भी हम ले लेंगे,
इंटर करते हैं। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा क्लासिकल क्रॉप कर दिया मैंने, अभी इसको कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये तो इमेज सेव हो गया, लेकिन मुझे सेव करना है सेव एज अ PSD फाइल। सो हेयर इज द टॉप ऑफ द PSD फाइल, हेयर इज ऑन टॉप ऑफ द PSD फाइल। ठीक है जनाब, ये हो गया जी। अब हम इन सब को क्लोज कर देते हैं। एक्चुअली मैंने वहाँ पर क्लास ऐड नहीं किया हुआ था, क्लास ऐड करने के लिए ये देखा क्रॉप करने का स्टाइल। इसको अभी मैं क्लास के हिसाब से सेव करूँगा। क्लास 9th क्लास है हमारी, ठीक है, तो इसको PSD फाइल के हिसाब से मैं सेव करूँगा प्रोजेक्ट के अंदर। सेव होगी फाइल, यस। अब हम स्लाइस टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक इमेज डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, वो इमेज में अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी रख लूँगा, लेकिन फिलहाल ये जी ये इमेज है हमारे पास, ये इमेज में अपने वेयर इज माई इमेज कॉपी कर लेता हूँ या इससे ले लेता हूँ, मॉडल्स पर आकर मैं इसको रख देता हूँ। ये इमेज मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। देखें स्लाइस टूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो स्लाइस टूल का फवायद आप पहचान लें। ये जो वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं हमारे पास, उनको हम स्लाइस करते जाते हैं। जैसा कि मैं एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस ले लूँगा, एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस लेने के बाद ये मेन्यू की स्लाइस ले लूँगा, मेन्यू के बाद ये जो स्लाइड बनी हुई है इसकी स्लाइस कर लूँगा, और बस फिलहाल यही करेंगे हम। देखें मैं आ रहा हूँ स्लाइस टूल पर, स्लाइस टूल पर आप देखो मैंने एक स्लाइस ले लिया और दूसरे स्लाइस भी मैं लेता जाऊँगा। ठीक है, ये मेन्यू बार के स्लाइसेस कुछ हैं, एक स्लाइस मैं कर लेता हूँ, दूसरे स्लाइसेस आप खुद कर लीजिएगा। ये मेन्यू बार के स्लाइसेस देखें मैं इनको काट रहा हूँ। स्लाइस का मतलब होता है कि आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन, वाटरमेलन की स्लाइस बनती हैं, या मैंगो की स्लाइसेस, मैंगो की स्लाइसेस आप देखें, देखे हैं आपने मैंगो को जिस तरह से स्लाइस करते हैं, उस तरह से मैंने ये वेबसाइट के टेम्पलेट को मैं करता जा रहा हूँ, इसके वेबसाइट के टेम्पलेट को स्लाइस करता जा रहा हूँ। अब देखें टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 13 13 के मैंने स्लाइस बना लिए हैं। अब देखें फाइल पर आ गया, मैं फाइल पर आ रहा हूँ, और इस फाइल पर आकर ओह यस सेव फॉर वेब, यस यहाँ पर मेरा ऑप्शन आ गया। अब हम इसको डन करेंगे, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ रखेंगे, सेव कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसकी लोकेशन सेट करनी होगी, वेयर इज गोइंग टू बी सेव। एनीवे मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ फिलहाल। जी जनाब ये डन हो गया, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ चला गया, जहाँ पर मेरा इमेज पड़ा होगा, मेरा इमेज कहाँ पर पड़ा होता, ये मेरा इमेज यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर स्लाइस नहीं हुई वो। सेव फॉर इमेज मैंने डन तो कर दिया, लेकिन ये स्लाइस गई कहाँ। बाय डिफॉल्ट जो स्लाइसेस होती हैं वो तो चले जाते हैं। ओके 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 नाउ नाउ माय कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं, तो मैं माय डॉक्यूमेंट्स ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, डॉक्यूमेंट्स। और स्लाइस का नाम क्या था, एक्सपर्ट, वेट अ सेकेंड। जी जनाब बेसिकली मैंने इस फाइल को सेव किया ही नहीं है, सेव सेव के ऊपर आएंगे, मैं अपने प्रोजेक्ट पर आ जाऊंगा, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है प्रोसेस के अंदर, नहीं उससे न्यू एडोब के अंदर फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर CSS। अब देखें यहाँ पर मैं स्लाइस के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ, स्लाइस स्लाइसेस, ठीक है, तो इसको ओपन कर एक्सपर्ट ग्रुप इमेज वगैरह वगैरह इस हिसाब से मैं सेव करूँगा।
ठीक है ठीक है ठीक है, सेव करो। सही, ये क्रॉप होकर सेव होकर मेरे सामने आ गया, और जितनी भी हमने फाइल्स क्रॉप्स की थी वो सारी की सारी नहीं हुई, क्योंकि मैंने डन के ऊपर क्लिक नहीं किया था ना। स्लाइस करो, सेव फॉर वेब। आया कुछ नहीं हुआ। सेव फॉर वेव, होना तो चाहिए, लेकिन हाँ ये हो गया जी जनाब, ये कट होकर सामने आ गए। जितने भी स्लाइसेस हमने बनाई थी वो सारी की सारी स्लाइसेस एक इमेज की कट होकर हमारे सामने आ गई। इसका मेथड बिल्कुल इजी है, मैं वही अप्लाई कर रहा था, लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि वो मेरे फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहे थे। अब देखें ये फीचर्स अप्लाई होकर सामने आ गए हैं। मैंने एक्सपर्ट ग्रुप की स्लाइस की, फिर ये मेन्यूज़ की स्लाइस की, और मैंने मेन स्लाइड की स्लाइस की। और इन स्लाइस का मतलब होता है कि कतरा कतरा कर देना, कतरा कतरा, ठीक है, अच्छा वर्ड है उर्दू का, कुतर कुतर। यस हैव वी गो। ठीक है, तो ये तो हो गया आप स्लाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्लाइस करते हैं। और स्लाइस सिलेक्ट टूल के ऊपर आ रहे हैं। स्लाइस सिलेक्ट टूल के ऊपर देखें, मैं सिलेक्ट करूंगा, ये स्लाइस सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, अगर डिलीट करना हो सिलेक्ट करके डिलीट, तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, फिर डिलीट बटन प्रेस करो कीबोर्ड से, ठीक है, आप अपनी स्लाइस को डिलीट भी कर सकते हो जो आपने स्लाइस की थी। अब आप नए स्लाइस लेने चाहो तो इस तरह से मेन्यू की एक पट्टी को स्लाइस कर लो, ठीक है, इंटर कर दूंगा तो ये स्लाइस हो जाएगी यहाँ पर। ये क्रॉप की तरह ही काम करेगा, लेकिन स्लाइस के हिसाब से, ये एंटर के हिसाब से, अगर मुझे एक इमेज में से मल्टीपल स्लाइस लेनी हो तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो इमेज वापस आ जाएगा, और कंट्रोल एस से इसको भी सेव कर देता हूँ। ये इमेज तो मेरा सेव हो गया। ओके, और इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से क्रॉप टूल अप्लाई होता है, और किस तरह से पर्सपेक्टिव टूल अप्लाई हुआ, और किस तरह से स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये सारे हमने फीचर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पर आए, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ एक इमेज को, ठीक है, ये तो सिलेक्ट हो गया। नॉर्मल स्लाइस बाय डिफॉल्ट रहने दो, यही अगर आप रेशियो करना चाहोगे फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से, तो फिर वो फिक्स्ड रेशियो के हिसाब से स्लाइसिंग करेगा। एनीवे आप नॉर्मल रख लो, ये मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, ठीक है। ये क्लास क्लियर हो गई, आज की क्लास यहीं पर खत्म हो गई। इस क्लास के अंदर मैं समराइज कर लूँ, क्रॉप टूल को हमने डिस्कस किया, क्रॉप टूल के अंदर प्रस्पेक्टिव, सॉरी ये यहाँ पर टूल का नाम प्रस्पेक्टिव, प्रेस प्रॉ प्रॉ टिव, मिसस्पेल होगी भी तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर प्रस्पेक्टिव, थोड़ा सा नया इसका क्लासिकल है, पर्सपेक्टिव, 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 ये टूल है हमारे पास, ठीक है जनाब। ओके, हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिए आज की इस क्लास में। मैं अपनी क्लास को यहीं पर अख्ताम करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर। हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस क्लास का टॉपिक होगा आई ड्रॉपर टूल। ओके, किस तरह से अप्लाई करेंगे ये टूल। तो शार्प के सॉफ्टवेयर पर आते हैं, इमेज इंपोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं। मैं अपनी ड्राइव में से, जहाँ पर कोर्सेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स रखी हैं, मॉडल्स, ठीक है जनाब। ये मॉडल, मैं इनमें से कोई एक मॉडल ले लेता हूँ, ठीक है जी। यस हैव वी गो। ओके, अब जनाब देखें,
हमारा आज के इस क्लास का टॉपिक है आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल। ठीक है जनाब, आई ड्रॉपर टूल पर आते हैं, हम क्लिक करते हैं तो ये कलर्स पर देखें, ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर कलर का सैंपल आ रहा है, और आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें जो कलर मैं पिक करना चाहूँ तो वो कलर में पिक कर सकता हूँ। आई ड्रॉपर टूल, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स अ कलर पिकर। सही है, और ये इसकी साइज में प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे तो यहाँ पर देखें कलर पिक करें 3x3 एवरेज, 5x5, 11x11, 30x30, 3101। ठीक है, ये एक हमें रेशो दिया गया है जिसकी मदद से हम कलर को पिक करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पॉइंट सैम्पलर ये रहे तो बेहतर है। देखें यहाँ पर येलो कलर हो रहा है, अगर मैं ब्लू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है और उसका कोड आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कलर पिकर है, जस्ट कलर पिक करता है और उस कलर को हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ड्रेस में चेंज कर लूँ, तो ड्रेस चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो कलर रिप्लेसर पे कलर क्लिक करेंगे ना, आई ड्रॉपर से कलर को पिक करेंगे। ठीक है, फिर व्यू एंड सेचुरेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कलर पिकर पर आएंगे। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, आगे जाकर हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि कलर रिप्लेसमेंट हमारे पास आगे एक टॉपिक है कलर रिप्लेसमेंट का। वो टॉपिक है अगर इसकी येलो कलर की जो है ना ये टाइडी है तो इसको हम ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। इसकी ड्रेसिंग को चेंज कर सकते हैं, वो कलर पिकर में कलर रिप्लेसमेंट होता है। एक्चुअली ये मेरी विंडो अपडेट हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा विंडो स्लो चल रही है, इस मैं तो नेट पर कलर रिप्लेसर इन फोटोशॉप ये टूल देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल इसका कोई हमारे पास है नहीं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू चेंज एंड एडजस्ट पेन यू सेचुरेशन वगैरह, सेचुरेशन रिप्लेस ऑब्जेक्ट कलर सेटिंग, रिप्लेस ऑब्जेक्ट कलर ओके। अब देखें जनाब, ह्यू एंड सेचुरेशन ये एडजस्टमेंट में ये लेकिन एडवांस लेवल का टॉपिक है, हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कह रहा है कि सिलेक्ट करो, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, जल्दी से मैंने सेलेक्ट कर दी ये टाइप ई, बहरहाल ये थोड़ा सा फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसका ह्यू एंड सेचुरेशन के सेक्शन में आएंगे, उसका कलर चेंज कर दें, देखें इस तरह से कलर चेंज होते हैं। सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब ये कलर देखो चेंज हो रहे हैं, येलो में से बेतहाशा कलर चेंज हो रहे हैं, येलो से ग्रीन कर दिया।
ये इसको मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तो एक असाइनमेंट हो गई। अब मैं आपको सेव एज सिक्स क्लास पर आते हैं और इसका नाम रखता हूँ क्लास 10। सेव, ओके। ये देखें ह्यू एंड सेचुरेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, सही है। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कलर का सैंपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कलर का सैंपल हमारे पास क्या आ रहा था, कैंसिल कर देता हूँ मैं। कलर को क्लोज कलर ग्रुप कोलैप्स टू आइकॉन नाउ, इसको यहाँ से क्लोज कर कर फिर से मैं ओपन करता हूँ विंडोज से। वेयर इज कलर, कलर ये सेव कर रहा, ठीक है। कलर सैम्पलर से हमें ये देखें इसका कलर ब्लू होना चाहिए, लेकिन ये ब्लू यहाँ से कैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका कलर सैम्पलर RGB होना चाहिए। CMYK सेक्शन, एक मिनट, करंट कलर नाउ, न्यू इमेज ले लेते हैं हम। फिलहाल ओपन करते हैं एक और इमेज, कलर सैंपलर, यस। ये जो कलर सैंपलर है ये हमारा RGB स्लाइड्स के हिसाब से वेब स्लाइड्स कलर जी, जो प्रीवियसली क्लास में हमने सेलेक्ट किया हुआ था कलर सैंपलर वेब के लिए सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एनेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। कलर फॉर वेब, ये वेब के लिए हम यूज़ करते हैं, ये कलर्स के कोड होते हैं, हर एक कलर का अपना अपना एक कोड होता है, ठीक है जनाब। तो कलर सैंपलर पर आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यस। और यहाँ पर कलर सैंपलर पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कलर आ जाएगा रेड। ठीक है जनाब, ये बैकग्राउंड में भी रेड कलर आ रहा है और फोरग्राउंड में भी रेड कलर आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह पर। अगर मैं बैकग्राउंड में वाइट, सॉरी ये फोरग्राउंड और ये बैकग्राउंड वाइट कर दिया मैंने, इस तरह से कलर चेंज होते हैं फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ पर एक कलर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन कलर रिप्लेस मुझे करने आते हैं जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको करके बताया। एनीवे वो कलर रिप्लेसमेंट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, फिलहाल जो हमारे इस क्लास का टॉपिक है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल से हम जो है ना कलर रिप्लेस करते हैं, वाइट कर देता हूँ फोरग्राउंड। अब देखें ब्लैक कलर, हेयर के कलर्स ब्लैक होते हैं, स्किन का कलर येलोविश होता है, और आई का कलर जो इसके लेंस पहने हुए हैं वो, और दांतों का कलर वाइट होता है, ठीक है। दुपट्टे का कलर, ये कलर पिकर जस्ट कलर पिक करता है, फिर उस कलर पिक करने के बाद उस कलर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, सबसे पहले तो एक लेयर बना लेते हैं, ये टूल अप्लाई नहीं हो रहा, 3D मटेरियल है, आई ड्रॉपर टूल, ये 3D हमारे पास है नहीं। जब हम 3D के सेक्शन में आएंगे तो फिर हम आपको ये वाला ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कलर सैम्पलर पर, कलर सैम्पलर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारे कलर्स के कोड आ जाते हैं,
कलर कौन सा, आरजीबी में, सीएमवाईके में, 8 बिट 8 बिट का ऑपरेशन, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस। देखें अगर मैं विड्थ बताऊं तो ये विड्थ बता रहा है कि कितनी विड्थ होगी। और इस डार्ट से लेकर, ये डार्ट जो सेंटर पर होता है ना, इस डार्ट से लेकर ये विड्थ मुझे बताएगा, इससे 1 से लेकर 2 तक कितनी विड्थ बनी हुई है। एक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ओके, एक दूसरी क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सैम्पलर 3 से लेकर 2 से लेकर 3 तक, 2 हमारा सैम्पलर होगा और 4, ठीक है। ये सारे कलर्स हमारे आरजीबी में, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे आरजीबी में बताएगा 222, 3 वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस जगह पर मैं पॉइंट करता जाऊंगा वही कलर मुझे बताता जाएगा, कलर ड्रॉपर टूल। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, क्योंकि हमें कुछ कलर्स के कोड्स मालूम नहीं होते, तो ये हमें कलर्स के कोड बताता है। और सी एम वाई के मोड में और आर जी बी मोड में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में, विथ हाइट, ये वो वगैरह, हम सब कुछ इससे मालूम कर सकते हैं। और रूलर से हमें पता चलता है कि किस तरह से विथ, अब देखें ये विथ कितनी होगी, ये मुझे बताएगा कि विड्थ होगी इसकी 5 और हाइट होगी 0। अब देखें हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 7, ठीक है। तो जनाब अगर मैं 1 से 0 से, ये तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से लेकर 4 तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर 5, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक जब हम जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसलिए ये कह रहा है कि साइज हो रही 4 विथ, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर 0 से मैं काउंट करूँगा, मुझे बताएगा कि अब ये साइज हो रही है 6, ये यहाँ पर रूलर के हिसाब से 6 साइज नज़र आ रही है, यहाँ पर 6 साइज विथ। विथ एंड हाइट मालूम करने के लिए, इमेज की विथ एंड आउट कितनी होगी पिक्सल्स में, इंचज में, तो वो हमें सब कुछ बता देगा ये, लेकिन ये इंचज में बता रहा है कि इसकी कितने इंच की साइज़ होगी। अगर मैं ये प्रिंट करना चाहूँ प्रिंटर पर, तो पेज की साइज़ का तो हमें मालूम होना चाहिए ना, तो ये विथ एंड हाइट के हिसाब से मुझे बता देगा कि कितनी इसकी विथ एंड हाइट होगी। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 0 से लेकर 6 तक जो है ना इसकी विथ एंड हाइट होगी। और अगर हम क्रॉप करें, कहें कि हमें इतना इमेज चाहिए 1 से लेकर 3 तक, तो ये 3 इंच का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये इमेज चाहिए और इतना इतना, ये इस हिसाब से हम क्रॉप कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है जनाब। और हमारा हो गया आई ड्रॉपर टूल, हो गया कलर सैम्पलर टूल, हो गया नोट। नोट लिखते हैं हम अपने समझने के लिए, अगर कोई भी टूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर उस टूल का नेम रख देंगे। एज अ कमेंट्स यूज़ होते हैं नोट हमारे, यहाँ पर लिखते हैं मैविश, एडिटिंग, ठीक है। और ये हमें जो है ना फॉरएवर याद रहेगा कि मेविश एडिटिंग का हमने यहाँ पर नोट लिखा था। सही है जनाब, ये नोट के अगर ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेविश एडिटिंग आ गया, फिर से डबल क्लिक करूँगा तो कोलैप्स इस तरह से करते हैं हम इस टूल को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स हम लिख देंगे, इस पॉइंट पर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस पॉइंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, मिसाल के तौर पर जितने भी टूल्स हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास, इसी क्लास के अंदर कुछ देर पहले मैंने एक टाइडी का कलर चेंज कर दिया था रेड में, तो मैं कहता वहाँ पर कि येलो इज कलर कन्वर्टेड इन रेड, वहाँ पर नोट लगा देता। ये नोट्स हमें खुद अपने समझने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है जनाब। और 1 2 3 हम सेक्शन रखते हैं हिसाब से, 1 2 3, 1 से लेकर 2 तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उस वहाँ पर नोट लगा देंगे, और 2 से लेकर 3 तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वहाँ पर नोट लगा देंगे। इस तरह से 1 2 3 के हमारे पास फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट आप टाइप करोगे। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मैं कट कर रहा हूँ 1 से लेकर, मैं क्या कट कर रहा हूँ इसके, ये बाल क्या कहते हैं कि ये रिंग्स, ईयर रिंग्स मैं इसकी कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन लगा दूंगा 1 और यहाँ पर लगा दूंगा 2,
वन से लेकर टू तक मैं इसके ईयर रिंग्स काट रहा हूँ और नोट में रख दूंगा कि मैं वन टू वन 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 टू टू ईयर फ्रेम कटिंग। तो इसको क्लोज कर देंगे। ये नोट्स जो है ना, ये हमें बताएगा कि वन टू टू ईयर नोट कटिंग, ठीक है। तो अब इसके क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके ईयर को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के लिए मैं कट का ऑप्शन दबा दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने ये नोट में नाउ नोट टाइप कर दिया। अब इसको भी हम सेव कर देते हैं। सेव करते हैं मेविश, ये क्लास 10 होगी मेविश। सही जनाब, ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, आई ड्रॉपर टूल, कलर सिंपलर टूल, रूलर टूल और नोट टूल, काउंट टूल, ये सारे टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन इसमें से 3D मटेरियल, आई ड्रॉपर टूल, क्योंकि 3D के जब सेक्शन पे आएंगे तो वो आकर हम ये यूज़ करेंगे। मैं जाकर क्लास में लिखता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया आई ड्रॉपर टूल, कलर सिंपलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल। टॉपिक्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, नोट टूल, 1 2 3 टूल। कितने टूल्स हमने यूज़ कर दिए यहाँ पर, रूलर टूल भी रह गया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ कलर सैम्पलर के बाद रोलर टूल, ठीक है जनाब। ये सारे हमने डिस्कस कर लिया आज के इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है जनाब। इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।